नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। चाय बनाते समय सिलेंडर लीकेज से 3 छपरपुर मकानों में लगी भीषण आग। 2 बाइक फ्रिज सहित लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। सरमथरा उपखंड में सुनकई गांव के पास की है घटना। सरमथरा उपखंड में सुनकई गांव के पास गुरुवार दोपहर चाय बनाते समय सिलेंडर लीकेज होने से 3 छपरपोस मकानों में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही छपरपोस मकानों में रखा सामान धू धू कर जलने लगा। इस मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना के बाद कड़ी मशक्कत कर ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मकान में रखी 2 बाइक फ्रिज कूलर सहित लाखों रुपए की गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार आगजनी से पीड़ित परिवार उत्तर प्रदेश बरेली से आकर यहाँ पर सब्जी उगाने का कार्य करते हैं। पीड़ित सद्दाम हुसैन पुत्र गुलाब नवी निवासी बरेली उत्तर प्रदेश ने बताया कि आगजनी से उसके छपरपुर उस मकान में रखी 2 मोटरसाइकिल, 1 फ्रिज, 1 वॉशिंग मशीन, 2 कूलर, डबल बेड और करीब 55,000 की नकदी जलकर राख हो गई है। और बच्चू सिंह पुत्र गुलाम नवी ने बताया कि आगजनी से उसके छपरपुर उस मकान में रखे कूलर, गृहस्थी का सामान और 50,000 रुपए की नकदी जलकर राख हो गई। जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। आगजनी की घटना के बाद पीड़ित परिवारों का सब कुछ जलकर राख हो गया, एवं पीड़ित परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है और पीड़ित परिवारों ने सरकार से सहायता राशि दिलाए जाने की मांग की है। चंबल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम हमारे यहाँ, साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन, जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर सेपो रोड धौलपुर, प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार, मोबाइल नंबर 94-14-58-37-70, निर्देशक इंद्र सिंह पवार, मोबाइल नंबर 80-05-88-89-39। निजी लाइब्रेरी के संचालक से मारपीट, बैठने को लेकर कुछ दिन पहले हुआ था विवाद। पीड़ित ने निहालगंज पुलिस को दी शिकायत। धौलपुर निहालगंज थाना क्षेत्र 2 बजे आरोपी सौरभ और अंकित अन्य 2-4 लोग के साथ मुंह पर गमछा बांध कर आए। आरोपियों ने गेट खोलकर लाइब्रेरी संचालक को बरामदे में बुलाया। जैसे बाहर निकला तो युवकों ने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। मारपीट करने के बाद आरोपी युवक पीड़ित के गले से सोने की चैन और लाइब्रेरी में रखी 8,000 रुपए की नकदी लेकर भाग निकले। पीड़ित लाइब्रेरी के संचालक ने बताया कि कुछ दिन पहले आरोपी सौरभ लाइब्रेरी में आया था, जहां बैठने की जगह को लेकर उसका संचालक से विवाद हुआ था। जिस विवाद के बाद बुधवार को आरोपी अपने साथियों के साथ लाइब्रेरी पहुंचा और उसने संचालक की मारपीट शुरू कर दी। संचालक की चीख पुकार सुनकर बाहर निकले दूसरे छात्रों को देखकर आरोपी भाग निकले। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी दिए हैं, जिनके आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। सेपो उपखंड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सेपो। हमारा पता है पुलिस थाने के पास धौलपुर रोड सेपो। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सेपो उपखंड में लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना हमारा संयोग नहीं, परंपरा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस विद्यालय, जिसमें विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, शुद्ध पेयजल, विद्यालय कैंपस में विशाल खेल मैदान एवं क्षेत्र के सभी गांव से वाहन सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार, मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत सरमथरा थाना पुलिस की बड़ी कार्यवाही। 8 पिकअप गाड़ियों में क्रूरता पूर्वक भरकर ले जा रहे जानवरों सहित 8 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। गुरुवार को सरमथरा थाना पुलिस द्वारा 32 जिंदा भैंस व 57 पड्डों को क्रूरता पूर्वक चूस चूस कर परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर विभिन्न नंबरों की 8 बेलोरो मैक्स पिकअप गाड़ियों को जब्त किया गया। थाना अधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि एएसआई लाखन सिंह माई जाप्ता द्वारा अलसुबह नगर पालिका कार्यालय सरमथरा के पास से
कार्रवाई करते हुए मुलजिम शकील खान पुत्र शौकत खान उम्र 43 साल निवासी इस्लामपुरा चैना जिला मुरैना एमपी, शकील पुत्र मुन्ना नाल उम्र 32 साल निवासी गुम्मतवाड़ी जिला धौलपुर, इमरान खान पुत्र इकबाल खान उम्र 27 साल निवासी गुरह जिला मुरैना एमपी, सानू पुत्र खलील उम्र 27 साल निवासी गुरह जिला मुरैना एमपी, शरीफ मोहम्मद पुत्र इरशाद उम्र 24 साल निवासी अल्लाहपुर जिला मुरैना एमपी, बच्चन सिंह पुत्र सुंदर सिंह उम्र 25 साल जाति लोधा निवासी अलीगढ़ थाना कंचनपुर जिला धौलपुर, जहार सिंह पुत्र राजाराम उम्र 26 साल जाति पुष्पा निवासी लालमस जिला मुरैना एमपी, वीर सिंह पुत्र सुंदर सिंह उम्र 27 साल जाति लोधा निवासी अलीगढ़ थाना कंचनपुर को अलहा अलग अलग विभिन्न नंबरी बुलेरो मैक्स पिकअप गाड़ियों में से 32 जिंदा भैंस व 57 जिंदा पशुओं को टूस टूस कर पशु क्रूरता व निर्दयता से उल्टा सीधा भर कर रखा हुआ था। पशुओं को मुक्त कर सभी बुलेरो को जब्त किया गया व ड्राइवर के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी है। कार्रवाई के दौरान थाना अधिकारी गौरव कुमार, एएसआई लखन सिंह, कांस्टेबल नरसी राम, कांस्टेबल श्याम बाबू, कांस्टेबल राज बहादुर, कांस्टेबल अपडेट सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। चंबल प्रभाग न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। ब्रांड गेज रेल लाइन के कार्य का किया शुभारंभ। भरपुर से सरमत्रा करौली गंगापुर तक शुरू होने वाली ब्रांड गेज मोहारी जंक्शन पर शिलान्यास हुआ। राष्ट्रीय कथावाचक रामहे शास्त्री के द्वारा विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ कार्य को प्रारंभ करवाया गया। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा करौली धौलपुर जिले की जनता की मांग पर धौलपुर से सरमत्रा पसेड़ी तानपुर नौरोगेज रेल लाइन का तानपुर नैरोगेज रेल लाइन का आमान परिवर्तन करते हुए धौलपुर से सरमत्रा करौली गंगापुर सिटी तक नई ब्रॉडगेज रेल लाइन का कार्य शुरू किया गया, जिससे करौली धौलपुर जिले के नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। वहीं अब तक रेल लाइन से वंचित जिला करौली के लोगों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। वहीं कार्य के शिलान्यास होने से लोगों में खुशी देखने को मिलेगी। चंबल प्रभा न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। विद्युत करंट से हुई युवक की मौत, घर के अंदर अपनी कर रहा था लाइट ठीक। राजाखेड़ा उपखंड के ग्राम खनपुरा के अंदर वीरेंद्र पुत्र कैलाशी उम्र 22 साल जाति जाटव निवासी खानपुरा, जो अपने मकान के अंदर खराब होने पर अपनी लाइट को ठीक कर रहा था, जिसको करंट का झटका लग गया बताया गया, लेकिन उपचार हेतु अस्पताल लाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया। वीरेंद्र के पास छोटे छोटे एक पुत्र और पुत्री है, जिसको सबको मॉर्चरी में रखवा कर सबका पोस्टमार्टम करवा कर कार्यवाही जारी है। पोस्टमार्टम के बाद मृतक के शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। अस्पताल के अंदर मॉर्चरी रूम के बाहर बैठे मृतक के परिजन और ग्रामीण। राजखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। सुहागन महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए बरगद के वृक्ष की पूजा की। आज जिले भर में सुहागन महिलाओं ने बरगद अमावस्या को विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिसमें महिलाओं ने एक दिन पहले ही शाम को मेहंदी महावर लगाया और कई नई नवेली स्त्रियों ने पार्लर जाकर अपने आप को सुंदर बनाया। बट अमावस्या के दिन महिलाओं ने पति की लंबी आयु को लेकर सुबह से ही उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही महिलाएं सज धज कर और तरह तरह के पकवान, कचौड़ी, लड्डू, पूड़ी, नमकीन, फल, मिठाई, दही, खीर और बरूला लेकर महिलाएं बट वृक्ष के पास पहुंच गई और विधि विधान से पूजा अर्चना की। पौराणिक कथा के अनुसार पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखा जाता है और सुहागिन महिलाएं बट वृक्ष की पूजा अर्चना कर अपने पति परमेश्वर के पैर छूकर और उन्हें खाना खिलाकर जब खाना खाती है। इस प्रकार बट अमावस्या का यह पर्व केवल धौलपुर जिले में ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार मनाया जाता है। जो महिलाएं इस व्रत को रखती हैं उनमें साक्षात भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी, देवों के देव महादेव और मैया पार्वती बहुत ही प्रसन्न होते हैं। बट अमावस्या का यह पर्व गंगाबाई की बगीची, जजुआ वाली माता पेच वाले हनुमान जी मंदिर और माधवानंद की बगीची आदि स्थानों पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। डंपर ने कचरा उठा रहे ट्रैक्टर को मारी टक्कर, चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत, ड्राइवर मौके से फरार। धौलपुर शहर के बस स्टैंड स्थित सर्विस रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने कचरा उठा रहे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। दोनों वाहनों के बीच हुई भिड़ंत में बस का इंतजार कर रही बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। घटना के चश्मदीद श्यामवीर सिंह ने बताया, एक दिन पूर्व उसकी नानी जावित्री देवी
पत्नी विक्रम सिंह निवासी अलीगढ़ उसके ताऊ ने के घर आई थी। गुरुवार सुबह वह नानी जावित्री देवी को छोड़ने के लिए बस स्टैंड पर आया था, जो बस स्टैंड के सामने सर्विस रोड पर आगरा की तरफ जाने वाली बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान मुरैना की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहे डंपर ने नगर परिषद की सफाई का कचरा उठा रहे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। डंपर की टक्कर इतनी भयानक थी कि उसके प्रेशर से ट्रैक्टर काफी आगे तक चला गया और बुजुर्ग महिला को चपेट में ले लिया। दुर्घटना में बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं ट्रैक्टर ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना को अंजाम देकर डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे को देख आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने घटना की सूचना निहालगंज थाना पुलिस को दी। निहालगंज थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि डंपर और ट्रैक्टर की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। डंपर ड्राइवर दुर्घटना अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर गाड़ी को चिन्हित कर लिया है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। बिजली कटौती को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। जीएसएस कार्यालय पर तारावंदी कर कर्मचारियों का घेराव किया, जमकर किनारेबाजी। बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने जीएसएस कार्यालय पर जड़ा ताला। धौलपुर के बसई नवाब जीएसएस कार्यालय पर अघोषित बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। ग्रामीणों ने विद्युत कार्यालय पर पहुंचकर तालाबंदी कर डाली। विद्युत निगम के कर्मचारियों का घेराव कर ग्रामीणों ने 2 घंटे तक निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 1 महीने से विद्युत निगम द्वारा मनमाने तरीके से बिजली की कटौती की जा रही है। भीषण गर्मी में विद्युत निगम द्वारा कटौती किए जाने से ग्रामीणों का जीवन नारकीय बन गया है। विद्युत निगम द्वारा बिजली कटौती का किसी भी प्रकार का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। विद्युत निगम के कर्मचारी फॉल्ट और लाइन टूटने का हवाला देकर कभी भी लाइन को काट देते हैं। ग्रामीणों को महज 4 से 5 घंटे बिजली सप्लाई नसीब नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि भीषण गर्मी में लोग झुलस रहे हैं। घरों के अंदर एसी कूलर पंखे आदि बिजली के उपकरण शोपीस बनकर रह गए हैं। दिन हो या रात हो, बिजली कभी भी मनमाने तरीके से काट दी जाती है। विगत 1 महीने से ग्रामीण अघोषित विद्युत कटौती से जूझ रहे हैं। समस्या को लेकर कई मरतबा जिला कलेक्टर से लेकर विद्युत निगम के उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, लेकिन प्रशासन और विद्युत निगम द्वारा ग्रामीणों की समस्या को गंभीर नहीं लिया गया है। भीषण गर्मी में महिला बुजुर्ग और बच्चे अधिक परेशान हो रहे हैं। आज को ग्रामीणों का सब्र टूट गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जीएसएस कार्यालय पर पहुंचकर तालाबंदी कर दी। मामले की पुष्टि पाकर विद्युत निगम के AEN पुष्पेंद्र सिंह चौधरी मौके पर पहुंच गए, जिन्हें ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंचे AEN ने समझाइश के बाद मामले को शांत कराया। उन्होंने बताया कि लोड क्षमता अधिक होने की वजह से फॉल्ट की समस्या पैदा हो रही है। ग्रामीणों को जल्द ही समस्या से निजात दिलाई जाएगी। प्रतिबंधित खनन वन क्षेत्र में पत्थर खुदाई करते हुए एक LNT मशीन व एक ट्रक ट्रॉला जब्त कर ड्राइवर को किया गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे अवैध खनन के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत गुरुवार को सरमत्रा थाना पुलिस द्वारा अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध प्रतिबंधित वन क्षेत्र में खनन कार्य करते हुए एक LNT मशीन व एक ट्रक जब्त करते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना अधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर हीरामन बाबा मंदिर के पास डोमई के जंगलों में कार्रवाई करते हुए एक LNT मशीन व एक ट्रॉला ट्रक को जब्त किया है। मौके से चालक वीर सिंह पुत्र लाल सिंह जाति मीना उम्र 29 साल निवासी घड़ी को गिरफ्तार किया गया है। वह फॉरेस्ट एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी किया है। कार्रवाई के दौरान थाना अधिकारी गौरव कुमार, हेड कांस्टेबल कन्हैया लाल, कांस्टेबल समुद्र सिंह, कांस्टेबल श्याम बाबू, कांस्टेबल राज बहादुर, कांस्टेबल अभय सहित मौजूद रहे। चंबल प्रभार न्यूज के लिए जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। कपेश बुदूड बने नागरिक सुरक्षा फोर्स NSF के बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष। बाड़ी उपखंड के गांव चैकपुरा निवासी युवा समाज सेवी तपेश बिदोड़ पुत्र प्रेम सिंह बिदोड़ के कार्यों को देखते हुए हमेशा सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहने पर जिलाध्यक्ष रोहित कुमार लगर ने तपेश बिदोड़ को बाड़ी से ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। इस दौरान बिदोड़ ने बताया कि जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसे मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करूंगा और संगठन की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाऊंगा। इस दौरान तपेश बिदोड़ को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के समापन के उपलक्ष्य में हुआ विशाल भंडारे का आयोजन। सैपो कस्बे में स्थित प्राचीन कदम खंडी हनुमान मंदिर पर चल रही 7 दिवसीय श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के समापन के उपलक्ष्य में आज विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों भक्तगणों ने प्रसादी ग्रहण की। लोगों में खासा उत्साह देखा गया। सभी समाजों के लोगों ने बढ़ चढ़कर व्यवस्थाओं को देखने व परोसने में अपना सहयोग दिया, जिसमें एक विशाल
भंडारा सफल हुआ। कथावाचक योगेश शास्त्री सैपो वालों ने 7 दिनों अमृत कथा वर्षा करते हुए लोगों को आध्यात्मिक व धार्मिक जानकारी दी। 7 दिन से मंदिर प्रांगण भक्तिमय बना हुआ था, जिसका आज विशाल भंडारे के साथ समापन हुआ। सैपो से अजित परिहार की रिपोर्ट। कमला ग्रुप ऑफ कॉलेज धौलपुर में एक दिवसीय ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम डॉक्टर के उपाध्याय IQC कोऑर्डिनेटर ऑफ कमला बीएड कॉलेज धौलपुर के मार्गदर्शन में संचालित किया गया। यह कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से संचालित किया गया, जिसमें मीटिंग हॉस्ट डॉक्टर गौरव चावला तथा विश्वदीप शर्मा ने फाइनेंशियल लिटरेसी पर व्याख्यान दिया। उन्होंने वित्तीय संवेदनशीलता के महत्व को बताया और सामान्य लोगों के लिए वित्तीय समाज को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने आर्थिक शिक्षा के महत्व को समझाया और वित्तीय निर्णय लेने में लोगों को सक्षम बनाने के उपायों पर चर्चा की। उनके वक्तव्य ने सकारात्मक सोच और निवेश की महत्वपूर्णता पर भी जोर डाला। महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर RRL शर्मा और सहसचिव मनदीप शर्मा ने सभी विद्यार्थियों के साथ अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य वित्तीय सशक्तिकरण को बढ़ाना और आर्थिक जागरूकता को फैलाना है। हमें गौरव है कि हमने इस सामाजिक मुद्दे पर ध्यान दिया है और यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किया गया है एवं सभी व्यक्तियों का धन्यवाद ज्ञापन कमला ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रशासनिक अधिकारी अंशुल सोनी द्वारा किया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर PS तिवारी, डॉक्टर YB पाराशर, नीरज बाबू सिसोदिया, डॉक्टर OP उपाध्याय, डॉक्टर गौरी दीक्षित, डॉक्टर अभयवीर सिंह, डॉक्टर अर्चना शर्मा, डॉक्टर नीरू शर्मा, डॉक्टर नीतू तिवारी, डॉक्टर वीरू चतुर्वेदी, रोहिता सिंह, बबलू दिलीप, कल्याण सिंह, जैनर, हर्ष गौड़, सुमन राणा और विपिन कुमार, निर्मल सिंह समस्त स्टाफ मौजूद रहा। शिक्षा विभाग राजस्थान के आदेशानुसार 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन कबड्डी छात्र छात्रा प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भद्रिका में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि CDEO महेश कुमार मंगल, अध्यक्ष AGEO रोहित कुमार विष्ट तथा विशिष्ट अतिथि अलाउद्दीन खान व प्रशासनिक अधिकारी विनोद सोलंकी रहे। कार्यक्रम का आरंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत संस्था प्रधान केशव देव शर्मा और शिविर प्रभारी वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक नरेंद्र शर्मा के द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। खेलकूद प्रभारी और शिविर पर्यवेक्षक विजय उदनिया ने बताया कि शिविर में 24 छात्र भाग ले रहे हैं तथा इन खिलाड़ी छात्राओं को खेल कौशल और खेल तकनीक का 15 दिन तक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि यह खिलाड़ी आगामी सत्र में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके। कार्यक्रम में वशिष्ठ शारीरिक शिक्षक और भुवनेश्वरी शर्मा, रश्मि राव, सुस्मिता शर्मा, दीपक शर्मा, नरेंद्र शर्मा, राकेश कुमार व करतार सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन रूप सिंह ने किया। चंबल प्रभा खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए चंबल प्रभा। धन्यवाद।